एक प्यारी सी हेलो आप सभी को। मैं हूँ आज ज्योति आप सभी के साथ और जुड़ चुके हैं आप सभी से 107.8 FM हमगिरी की आवाज, आपकी अपनी आवाज के जरिए। और आज आप सभी से मुखातिब होने का, आपसे मिलने का एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट वाला रीजन है, क्योंकि हम आज आपको मिलाएंगे एक खास शख्स से जिनकी जिंदगी इंस्पायर हमें जरूर करेगी, लेकिन उनकी जो स्टोरी है ना बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो आज जिनसे हम आपको मिलाने वाले हैं, उनके लिए कह सकते हैं कि ये जनाब रंगों से इस तरह खेलते हैं कि अपनी खूबसूरत पेंटिंग्स के जरिए ये सोने दीवारों को भी बोलना सिखा देते हैं, उन्हें भी जबा देते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उत्तराखंड के ऋषिकेश के निवासी हेमंत पेन्यूली की। हेमंत पेन्यूली जो कि एज अ मैकेनिकल इंजीनियर दिल्ली में जॉब कर रहे थे, लेकिन एक ऐसा वक्त आया जब हेमंत ने सोचा कि क्यों ना अपने दिल की सुनी जाए और अपने पैशन को आगे बढ़ाया जाए, जिसमें ज्यादा सुकून मिले, ज्यादा खुशी मिले। अक्सर होता है ना, लेकिन जब हम अपने दिल की सुनते हैं ना तो कई ख्याल आते हैं, कैसे होगा, क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। लेकिन हेमंत ने ऐसा नहीं सोचा और हेमंत ने ये सोचा कि मैं आगे क्या करूँगा जिससे मेरा कल अच्छा होगा। बस ऐसे ही कुछ सुनहरे सपने लेकर हेमंत वापस ऋषिकेश आए और अपने पैशन को आगे बढ़ाया। लेकिन अब हेमंत अपने खूबसूरत वॉल पेंटिंग्स और अपने स्केचेस के जरिए अपने पैशन को तो आगे बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन अपने साथ साथ कई युवाओं को, कई यंगस्टर्स को इंस्पायर भी कर रहे हैं। साथ ही उत्तराखंड की संस्कृति से भी जुड़े हुए कई खूबसूरत और अच्छे उम्दा काम कर रहे हैं। तो चलिए इनकी इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को जानते हैं और गहराई से इनकी जुबानी। मिलते हैं हेमंत पेन्यूली से। 107.8 FM हिमगिरी की आवाज, आपकी अपनी आवाज में तहे दिल से हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। हेमंत, कैसे हैं आप? हेलो मैम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी मैं अभी बिल्कुल बढ़िया हूँ हेमंत। और के शुरुआती सफर की हम बात करें हेमंत, तो जो कि नॉर्मल नहीं रहा, बहुत बहुत अलग रहा, क्योंकि एक ऐसा युवा एज अ मैकेनिकल इंजीनियर काम कर रहा था, वो अचानक ऐसा क्या ख्याल आया कि दिल्ली से जॉब छोड़कर ऋषिकेश वापस आए? मैम मैं अगर पहले की बात करूँ तो आर्ट में मतलब मुझे कभी ऐसा बिलीव नहीं था कि मैं फ्यूचर में जाके कभी आर्ट में जाऊंगा या फिर कभी सोचूंगा कि मुझे लाइफ में आर्ट है मेरे लिए कुछ ऐसा, तो नहीं था पहले, कुछ भी नहीं था दिमाग में। तो एट क्लास तक मैं हमारे यहाँ स्कूल में आर्ट्स था, बट नाइन्थ जैसे ही हम आईसीएसई में तो वहाँ पर आर्ट हमारे स्कूल में नहीं था, तो उसके लिए अच्छा था जब मैं बचपन में एट तक, तो मैं आर्ट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट लेता था, तो उसमें कई बार विनर भी रहा हूँ। तो फिर उसके बाद जब मैं नाइन्थ में आया तो आप स्कूल एक साइड से जा चुका था, तो मैंने या साइंस लिया इंजीनियरिंग की। फिर इंजीनियरिंग में कॉलेज में थोड़ा बहुत मैं वॉल में बनाना था, ऐसी दोस्त को कुछ बना दिया नॉर्मल छोटा पेंसिल स्केच वगैरह। जब मैं इंजीनियरिंग करके मैं तो दो तीन फील्ड में मैंने जॉब किया है, यहाँ पर उत्तराखंड में किया, फिर मैं दिल्ली चला गया था। देन ऐसे ही एक कंपनी से एक छोटे से लीव में एक ट्रिप में चला गया था अकेले ही, सोलो ट्रिप। सोलो ट्रिप को मैंने गढ़वाल के यहाँ पर, जैसे पौड़ी गढ़वाल में जो रुद्रप्रयाग वाला रूट है वहाँ पर मैं घूमने लगा, तो मैंने पर आर्ट कल्चर उस टाइम एक मेरे दिमाग में क्लिक हुआ, कुछ लोगों से मिला तो मैंने देखा यहाँ पर आर्ट कल्चर बिल्कुल डेड है। तो अगर देखते हैं तो आर्ट कल्चर हमारे यहाँ बिल्कुल डेड है। तो फिर मुझे अपने पुराने दिन याद आए जब मैं आर्ट के लिए करता था, बट हमने भी मुझे अपनी स्टोरी याद आई कि एक तरीके से हम थे, हमने वो नहीं किया, हमें वो चीजें पता नहीं थी। 2017 में मैंने ये सब शुरू किया। ओके, तो आपने इस बात को साबित करके दिखाया है हेमंत कि अगर दिल में अगर इरादा हमने कर लिया है तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अच्छा, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आपकी जो ये कहानी है, आपका जो ये शुरुआती सफर है, वो जानना चाहेंगे कि हमें देखने में तो बहुत खूबसूरत लगती है दीवारें, जब उसमें सुंदर सुंदर जो चित्र है, यानी कि जो पेंटिंग की होती है, जो आर्टिस्ट की आर्ट होती है, वो देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके पीछे जो कहानी होती है उसके बारे में जरूर मैं जानना चाहूंगी। मैम वॉल आर्ट एक
जो यहाँ पर हमारे जो उत्तराखंड में जो कल्चर है वॉल आर्ट, एक्चुअली में पहले वेस्टर्न कल्चर से काफी पॉपुलर था कि वॉल आर्ट को समझना और एक उस तरीके से आप स्ट्रीट आर्ट को उसमें डालना ताकि पब्लिक को एक नॉलेज मिले, एक इंस्पिरेशन मिले कि हाँ सोसाइटी में क्या चल रहा है, मतलब हमारे ऐसा जो चीजें चल रही है वो उन लोगों को वॉल आर्ट से ज्यादा अट्रैक्टिव लगती थी। और तो वॉल आर्ट में देखता था पहले, और मैं जब नॉर्मल स्केचेस वगैरह करता था तो मुझे जो जिन आर्टिस्ट को मैं फॉलो करता था फेसबुक इंस्टाग्राम में, तो उससे मुझे वॉल आर्ट करने का एक प्लान आया कि मैं भी वॉल आर्ट ट्राई करता हूँ। तो काफी इंजीनियरिंग मैंने करी थी तो वॉल आर्ट वॉल्स की डायमेंशन वगैरह ये सब करने के लिए मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मैंने ऐसे ही यहाँ पर बीटल्स आश्रम में ऋषिकेश में, तो तो आपने बीटल्स अपनी आश्रम उस स्किल को जो है इस फील्ड में यूज किया। जी मैम, और वहां से ही शुरुआत भी मैंने प्रैक्टिस करी। तो वो प्रैक्टिस धीरे धीरे मैंने उसको और टाइम दिया तो वहीं से वो बच्चा चला गया, फिर लोगों ने उसको देखा, फिर मुझे प्रोजेक्ट मिलने चलिए लगे। बात करें हेमंत की, आपने बहुत सारे काम किए हैं और ऋषिकेश वैसे ही एक बहुत खास नगरी है धार्मिक रूप से भी और अपनी खूबसूरती की वजह से भी, लेकिन आपकी जो वॉल पेंटिंग्स है ना वहाँ के कैफेज की जो खूबसूरती है वो और ज्यादा बढ़ाती है। हमने ये भी जाना है, सुना है कि कई कैफेज, योगा सेंटर और कई जो होटल्स हैं वहाँ की दीवारों में आपने रंग भरे हैं, तो इस बारे में भी कुछ बताइए। जी मैम, यहाँ पर योगा स्कूल्स हैं, कुछ कैफे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पर मैंने आर्ट वर्क किया है। उन लोगों को भी जब वहाँ पर योगा फेस्टिवल हुआ था तो वहाँ पर मैंने एक एग्जीबिशन अपना लगाया था। वो छोटा सा 2 दिन का, 2 डेज का एग्जीबिशन था जो मैंने लास्ट डे जो एंड डेट होती है वहाँ पर लगाया था। तो देन देखा तो उन्होंने वो इम्प्रेस हुए कि हाँ चलो हमारे सिटी में भी कोई है जो ऐसा काम कर रहा है। तो उन्होंने यहाँ पर इंडो टाइगर है जहाँ पर मैंने एक 30 फुट लेंथ जो है और 12 फुट हाइट है जो ऋषिकेश का मेरा सबसे बड़ा चित्रण था वहाँ पर मैंने बनाया था। और क्या बात। योगा यहाँ पर योगा स्कूल भी हैं, 7 चक्रा योगा स्कूल, वहाँ पर मैंने पहला चित्रण बनाए हैं। और वहीं से फिर मेरी बात धीरे धीरे फिर एक एक के बाद एक जब लोग देखते हैं तो वो आपके काम को अप्रिशिएट करते हैं तो अप्रिशिएट वही। करते हैं, राइट। तो बस आपने सफर की शुरुआत की थी और कारवां यूं ही चलता गया और चलता जा रहा है और लोग काफी आपके काम को पसंद कर रहे हैं, ये तो साफ तौर पे हेमंत देखने को मिल रहा है। सब ऋषिकेश ही नहीं, ऋषिकेश के बाहर भी लोग आपके इस आर्ट के बहुत बड़े फैन हैं। और साथ ही अब बात करते हैं आपकी इस कला के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंश की, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट की। ये देखा है गया है हेमंत की आपकी जो आर्ट है खास तौर पे वॉल पेंटिंग्स जो है उसमें उत्तराखंड के कल्चर को आप बहुत बेहतरीन तरीके से बयां करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो ट्रिब्यूट आपने दिया है कई कलाकारों के, आपने जो पेंटिंग्स हैं बनाई हैं वॉल पेंटिंग्स, ऐसा लगता है कि वो साक्षात हमारे साथ हैं, हमारे सामने खड़े हैं। इस बखूबी तरीके से आपने जो है वो खूबसूरत अपनी जो पेंटिंग्स हैं वो बनाई हैं, तो ये इस बारे में, इस कॉन्सेप्ट के बारे में भी थोड़ा सा आप बताइए कि किस तरीके से आप अपनी कला को जो है अपने कल्चर से, उत्तराखंड से जोड़ते हैं। मैम उत्तराखंड से जब मैंने स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से मैंने ये डिसाइड किया कि यहाँ पर जो मेरा आर्टवर्क है वो मेरे कल्चर से ही सबसे बड़ा क्योंकि कल्चर अगर मेरा मैं उसको कुछ करता हूँ तो ही मुझे स्ट्रेंथ मिलेगी, मुझे अपने आर्टवर्क में कुछ एक इंस्पिरेशन मिलेगी। तो ये जब स्टार्ट की तो मैंने काफी लोगों से मैं मिला यहाँ पर जो आर्टिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं, एज एन आर्टिस्ट यहाँ पर काफी कर रहे हैं। तो मैंने एक चीज देखी है कि आर्ट वर्क तो यहाँ पर डेड है, ताकि आर्टिस्टों को एक प्लेटफॉर्म एक उस तरीके का यहाँ पर नहीं मिल पा रही है। तो जिसके मैंने और मेरे कुछ दोस्तों ने हम सब ने मिलके एक प्रोजेक्ट बनाया जिसका हमने नाम रखा प्रोजेक्ट बैक टू द रूट। तो इसमें मैंने शुरुआत इसमें ये की कि जाके लोगों से मिलने लगा जो यहाँ पर ऐसे लोग हैं कि जो स्टोरी बेस्ड आर्ट वर्क जिन्होंने कुछ किया हो बट वो कभी उनका नाम किसी में आया नहीं। और वो वो सामने एक नहीं आ पाए लोगों के। मैंने जो फर्स्ट स्टोरी सुनी थी वो विमला देवी की सुनी थी, वो पौड़ी गढ़वाल में। जी तो उनसे जब पूछा गया कि आप पूरे गांव में अकेले रह रहे हो तो इसका रीजन क्या है, तो उन्होंने एक ही रीजन दिया कि वजह से मैं ये गाँव नहीं छोड़ के जाऊंगी। तो मेरे को वो एक बहुत अच्छा टॉपिक लगा तो मैंने उसके ऊपर वो पेंटिंग बनाई। तो
आदि जो उत्तराखंड की वुमेन है उसके ऊपर मैं ज्यादा फोकस करती कि एक वुमेन जो है उन्हीं की वजह से अगर देखा जाए तो कल्चर बचा हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो बाहर ही जाते हैं काम वाम करने के लिए, तो जो गांव है वो मेन वुमेन की वजह से ही अभी तक है, जो काफी कम उसमें बचे हैं, तो वो हमारी वुमेन की वजह से। तो बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। हाँ जी, तो मैम यही बैक टू द रूट्स फिर हमने प्रोजेक्ट बनाए, और इसमें हम लोग क्या इसमें जो भी यहाँ पर आर्टिस्ट हमारे तरह हैं जो बाहर जॉब ना करके अपने ही स्टेट में कुछ कर रहे हैं और यहाँ पर रोजगार के तरीके या फिर कुछ भी स्टार्टअप या कुछ अपने इनोवेशन या इनोवेटिव कुछ भी कर रहे हैं, तो उन लोगों को मिलकर टीम बना के यहाँ पर एक इवेंट क्रिएट करके यहाँ पब्लिक को हम बता के कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं और इस चीज को समझो, इस चीज को देखो, ये सोसाइटी में चेंज ला सकती है, कि जो यहाँ के आने वाले यूथ और आने वाले बच्चों को इंस्पिरेशन दे सकती है, कि कई सारे फील्ड हैं जिसमें हम काम कर सकते हैं। मतलब इतनी छोटी उम्र में ये सोच रखना, और आप जैसे अगर युवा हो तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द उत्तराखंड की जो संस्कृति है वो और रंग लाएगी और निखरेगी। तो कुछ हमें अगर और हमारे दोस्तों को देखने को मिले तो फिर क्या बात हो। मैम अभी तो मेरे पास जो मेरे पेंटिंग्स हैं वो ज्यादातर वॉल मिरर्स होते हैं और कैनवास में होते हैं, जो काफी बिग साइजेस कैनवास होते हैं, तो वहां पर मैं डिस्प्ले के लिए रखता हूँ, जैसे एग्जीबिशंस जो मेरे लगे हैं ऑलरेडी आर्ट गैलरीज में। तो अभी मेरे पास प्रिंट्स हैं, जैसे मैं देवभूमि सीरीज यहाँ पर कर रहा हूँ गढ़वाल में, तो देवभूमि सीरीज के पास जो प्रिंट्स हैं, जैसे ये गंगोत्री का है और ये हमारा यमुना की, तो और यहाँ पर कुछ केदारनाथ और बद्रीनाथ के भी मैंने ऐसे प्रिंट्स बनाए हैं, क्या बात जो थोड़ा सा वेक्टर आर्ट में कन्वर्ट करके, और ये कुछ मेरे बैक टू द रूट्स के कुछ प्रिंट्स हैं, जो जो पेंटिंग्स बनी हैं उनके मैंने प्रिंट्स निकाल के रखे हैं, ताकि मैं वाह, ये किसी के पास पहुंचे। जरूर ही मुझे लगता है कि किसी के पास पहुंचने चाहिए। इसी के साथ एक चीज और मैं जानना चाहूंगी हेमंत, कि बैक टू द रूट्स एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आप लेकर आए जो कि बेसिकली रिलेट करता है उत्तराखंड से, और हम ये भी जानना चाहेंगे कि कैसे आप लोगों को जोड़ रहे हैं, यंगस्टर्स को अपने साथ जोड़ रहे हैं, और कैसा रिस्पॉन्स इस ओर मिल रहा है आपको। मैम इस प्रोजेक्ट की शुरुआत इसी ईयर से हुई है, और मैंने प्लेटफॉर्म बनाया है इस प्रोजेक्ट के लिए, वो ऋषिकेश में है, और ऋषिकेश में यहाँ पर होटल है साई अनमोल रेस्टोरेंट, वहाँ हमारी गैलरी लगी है, वो गैलरी प्रॉपर बैक टू द रूट्स के ऊपर है। यहाँ तो क्या कर रहे हैं, जो भी उत्तराखंड में ऐसे लोग हैं जो कुछ यहाँ पर स्टार्टअप करके या यहाँ पर नए नए रोजगार के तरीके या कोई सा भी फील्ड हो जिसमें वो अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हो या फिर अपनी कल्चर के यहीं पर रह के माइग्रेशन को रोक रहे हो, तो ऐसी चीजें जो कर रहे हैं उनके लिए हमने एक ओपन प्लेटफॉर्म डेवलप किया है, जो वहाँ आके इवेंट का पार्टिसिपेट, और जो हम फेस्ट आगे जाके क्रिएट करेंगे उत्तराखंड में, जो हमारे प्लान हैं आगे जाके हमारे कुछ क्रिएट करेंगे हर 6 मंथ के पीरियड में, तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं और तरीके से हमारे साथ चल के आगे लोगों को और अपनी जो हमारे उत्तराखंड की संस्कृति है उसमें हमारा साथ दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर लोग जुड़ना चाहते हैं आपके इस बहुत ही उम्दा काम से तो जरूर जुड़ सकते हैं, आपके इस प्रोजेक्ट से जुड़ सकते हैं बैक टू द रूट्स। और साथ ही हम ये भी कहना चाहेंगे हमारे सभी दोस्तों को, आप हेमंत से जरूर जुड़िए, आप इंस्टाग्राम के थ्रू इनसे जुड़ सकते हैं, आप फेसबुक के थ्रू इनसे जुड़ सकते हैं, लेकिन किस नाम से किस जरिए से ये तो हेमंत बताएंगे। आप डायरेक्ट मेरे से इंस्टाग्राम में हेमंत पेनुली या फिर ऋषिकेश आर्टिस्ट्री से आप मुझे सर्च कर सकते हैं, फेसबुक में मेरा पेज है ऋषिकेश आर्टिस्ट्री और हेमंत, तो आप मुझे सर्च करके मुझे फॉलो या फिर मुझे मैसेज भेज सकते हैं, मैं आपसे कनेक्ट हो जाऊंगा। तो अब एक ऐसा युवा मेरे सामने है जो कि वाकई में मुझे इंस्पायर कर रहा है, सभी को मुझे लगता है आप इंस्पायर करते हैं, तो एक छोटा सा मैसेज सभी यंगस्टर्स के लिए आप जरूर दीजिए। के यूथ हैं उनको, और हमारे चाहे वो कहीं पर भी हो, इंडिया में हैं चाहे बाहर हैं, तो मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ, अगर आपने कुछ डिसाइड किया है कि आपको ये चीज चाहिए या फिर आपको ये चीज करनी है जिससे हमारे कल्चर में या सोसाइटी में या कुछ भी एक चेंज आना जरूरी है, जो बदलाव हमारी नई जनरेशन के लिए या हमारी आगे वाली जनरेशन के लिए जरूरी है, उनको उस चीज का नॉलेज देने के लिए, तो आप वो उस टारगेट को जरूर कहीं एक डिसाइड करके उसको उसमें लग जाएं।
डेली उसमें प्रैक्टिस करें, डेली उसमें जो आपको नीडेड है उस चीज के ऊपर स्टडी करें, नए लोगों से जाके मिलें, और ऐसे ही धीरे धीरे प्रैक्टिस करके उसको एक अपना डे बाय डे उसमें इम्प्रूवमेंट करके आप वो चीज अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही हेमंत, की दिल में अगर सोच लिया है तो वो चीज मुकम्मल जरूर होगी, लेकिन सोचना बेहद जरूरी है जैसा आपने किया। तो हेमंत, ये पूछना तो बहुत जरूरी होगा आपसे कि आगे और क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी हमें आपके जरिए, आपकी वॉल पेंटिंग्स, आपके स्केचेस, और क्या ऐसा खास है जो हमें आगे देखने को मिलेगा? मैम, आगे आप लोगों को जल्दी आर्ट गैलरियां हमारी देखने को मिलेगी देहरादून में, ऋषिकेश में और उत्तरकाशी। तो हम यही कहेंगे कि एडवांस में आपको हम बहुत सारी गुड विशेस देंगे हेमंत, और इंतजार रहेगा कि आपकी जो ये खूबसूरत कला है वो उसको देखने को हमें मिले, साक्षात हमें देखने को मिले। देहरादून का आपका इंतजार रहेगा, आपकी आर्ट का इंतजार रहेगा, और आप यूं ही काम करते रहें, उम्दा तरीके से लोगों को इंस्पायर करते रहें। तो शुक्रिया हेमंत, आज आप हमसे जुड़े, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने शेयर की और लोगों को इंस्पायर किया, बहुत अच्छे मैसेजेस उन तक पहुंचाए, तो शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच मैम।